करने के बाद राजा चंद्रकेत बोला, मैं आज श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जा रहा हूँ। नारद जी हंसकर बोले, राजन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा काल तुम्हारे शीश पर आ चुका है। राजा से मुस्काए रे तब बोले नारद ज्ञानी, तेरे काल शीश रोछाए रे, तेरे काल शीश रोछाए रे, ना कल बचे जिंदगानी। अपमान और गुरु को देख निरादर प्रभु ने कस लई हाथ कमान। ओरे सुन राजा अज्ञान मौत के सिर में आ गई है, ओरे सुन राजा अज्ञान मौत के सिर में आ गई है। सिर पे आ गई है मौत की दावत आ गई है, राजा अज्ञान मौत के सिर पे आ गई है। ध्यान रखना भक्तों, गर्व किसी का रहा नहीं है, ध्यान दें। गर्व करो सोई हारो उन हर से भैया, गर्व करो सोई हारो हर से भैया, गर्व करो। अरे गर्व आहारी जय असुरारी, भक्तन को प्रण पारो पारो, गर्व करो सोई हारो उन हर से भैया, गर्व करो सोई हारो उन हर से भैया। ध्यान देकर सुने भक्तो, हीरा कुश राजा हरि नाम को भुलाए दो, एक छत्र डंका चारों दिस में बजाए दो, भारी करो पाप सारी दुनिया छाए गो जी हो जी हो जी। हीरा कुश नाम का राक्षस था, उसका बेटा भक्त प्रहलाद निकला, भगवान का भक्त था, और उसी प्रहलाद ने अपने पिताजी के मान को घटाया। भक्त प्रहलाद तत खम से बंधाए दो, बोलो कर क्रोध तेरो अब कहा, राम गयो फट गयो खम नरसिंह अवतार लयो। अरे नख से उधर बिदारो उन हर से भैया, गर्व करो सोई हारो उन हर से भैया, गर्व करो सोई हारो उन हर से भैया। तो दूसरा उदाहरण और सुनिए, पंपापुर बीच भयो बाली बड़ो बलिधारी, सुग्रीव भाई जग देख के सुगरी नारी, छीन के निकारे दयो त्रास दयो बड़ो भारी जी हो जी हो जी। पंपापुर का राजा बाली था और उसका छोटा भाई सुग्रीव था, सुग्रीव की पत्नी बहुत सुंदर थी, तो भक्तो बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पटरानी बना लिया। आगे क्या हुआ, ताई के प्रताप जब गए वहाँ भगवान, पापी को पुकारो बाली मारी दो, एक वन घट गया गर्भ जग कड़ी गए हाल प्राण। अरे स्वर्ग गयो मत मारो उन हर से भैया, गर्व करो सोई हारो उन हर से भैया, गर्व करो सोई हारो उन हर से भैया। होशियार हो जा राजा,
अब तू बच नहीं पाएगा, अतः कोई उपाय कर ले। नारद जी की बात सुनकर राजा चंद्रकेतु थर थर कांपने लगा, होठ सूख गए। तो आगे क्या हुआ? सुन नारद की बात, भूप को सोच भयो भारी। चंद्रकेतु कहने लगा, नारद जी मुझे बचा लो, ये क्या हो गया मुझे? नारद जी उस दिन मुझसे भूल हो गई, अब मैं क्या करूं? तो भक्तों नारद के हृदय में दया आ गई, और क्या हुआ? दया नारद मुनि को आई, दया नारद मुनि को आई। दया नारद मुनि को आई, भूप को रहे हैं समझाई। चंद्रकेतु भयभीत होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मेरी जान बचा लो, अब मैं नहीं बचूंगा, प्रभु कोई उपाय तो बताइए। लखन लाल हनुमान से पायक जिनके साथ, बचना तो अब कठिन है, स्वयं त्रिलोकीनाथ। मुनिवर अब क्या उपाय है मेरे बचने का, जब स्वयं भगवान ही हमसे रूठ गए हैं तो मुझे कौन बचा सकता है? नारद जी ने जवाब दिया, अरे तू घबराता क्यों है, एक उपाय है मेरे पास जिससे तू बच जाएगा। और नारद जी बोले, ओ राजा अब ना देर करो, वृथा में समय गमाओ ना, वृथा में समय गमाओ ना, रोने से काम नहीं चलता, रो रो कर हमें रुलाओ ना। राजन रोने से अब काम नहीं चलेगा, सुनिए। चल मेरे साथ इस पर्वत पर, चल मेरे साथ इस पर्वत पर, माँ अंजनी से मिलवाना है, माँ अंजनी से मिलवाना है, बस उन्हीं के हाथों द्वारा आज तेरे प्राण बचाना है। राजन आगे जो पर्वत है वही अंजनी माँ रहती हैं, बस वे ही तेरे प्राण बचा सकती हैं, अत शीघ्र करो मेरे साथ चलो, वरना काम खराब हो जाएगा। चंद्रकेतु को लेकर नारद जी उस पर्वत पर पहुंचे जहाँ माँ अंजनी एक गुफा में बैठी भजन कर रही थी। नारद जी बोले, राजन जाओ इस गुफा में प्रवेश करो,
माँ अंजनी की शरण पकड़ लो। मेरा विश्वास है कि तुम निश्चय ही बच जाओगे। भक्तों, चंद्र केतु ने ऐसा ही किया। गोफा मध्य भूपति गयो, देखी अंजनी मात, ध्यान मगन थी भजन में, जोरे दोनों हाथ। जिस समय चंद्र केतु गुफा में गया, उस समय अंजनी मैया भगवान के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठी थी। तो चंद्र केतु ने क्या किया? चरण गिरो भैराई की, निकला मुख से हाई, शरण पड़ो मैया तेरी, हमको लियो बचाए। हाय हाय का शब्द सुनकर माँ अंजनी की आंखें खुल गईं। वे बोली, अरे तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तुम कौन हो बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। चंद्रकेत बोला, मैया मैं विदर्म देश का राजा चंद्रकेत हूँ। मैं यात्रा कर रहा था, जैसे ही मैंने गंगा नदी को पार किया तो धोखे से स्नान कर रहे विश्वामित्र की हमारी टक्कर लग गई। उन्होंने अपना अपमान समझकर अपने शिष्य श्री राम से जाकर कह दिया। अब श्री राम ने कल शाम तक हमें मारने का प्रण कर लिया है। बचाओ माँ, मुझे किसी तरह से बचा लो। और चंद्र केतु क्या कहने लगा? दया कर दान प्राणों का, मात श्री राम से दिलवा दो। पड़ा हूँ शरण में तेरी, दया की भीख दिलवा दो। माँ, अब मेरे प्राण तुम्हारे ही हाथों हैं। माँ, मेरी लाश को रख लो। और आगे चंद केतु बोला, बड़ा पापी हूँ मैं मैया, कड़ी किस्मत भी खोटी है, बड़ा पापी हूँ मैं मैया, कड़ी किस्मत भी खोटी है। कामना दानी का किया क्षमा, रघु वर्ष करवा दो। आगे बोला चंद्र केतु, माँ पुत्र प्यारा सुनो, जननी प्रभु का भक्त प्यारा है, पुत्र प्यारा सुनो, जननी प्रभु का भक्त प्यारा है। भमर में डूबती नैया किनारे, उसको लगवा दो। दया कर दान प्राणों का, मात श्री राम से दिलवा दो। पड़ा हूँ शरण में तेरी, दया की भीख दिलवा दो। थोड़ी सी
बार बनकर मां सहारा हमको लगवा दो। दया कर दंड प्राणों का मात श्री राम से दिलवा दो। दया कर बड़ा हूँ शरण में तेरी दया की भीख दिलवा दो। निभा दो टेक जीवन की अरे मेरी मान थोड़ी सी। पदवार बनकर मां सहारा हमको लगवा दो। मैया मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। माँ तुम जगत विख्याता श्री हनुमान की माँ हो और वे भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। माँ मुझे बचा लो। भक्तो अंजनी को दया आ गई, उन्होंने चंद्र केत को अपनी बाहों में ले लिया और बोली बेटा तुम आई शरण हमारी निक दिल में धारो धीर। तुम आई शरण हमारी निक दिल में धारो धीर। है सत्य वचन ये मेरो मैं हरूंगी तेरी पीर। अंजनी मैया बोली बेटा तुम किसी बात की चिंता मत करो। अगर तुमने मेरी शरण ले ली है तो तुम्हें कोई मानने वाला यहाँ पर नहीं आएगा। तुम आए शरण हमारी निक दिल में धारो धीर। तुम आए शरण हमारी निक दिल में धारो धीर। है सत्य वचन ये मेरो मैं तेरी हरूं। तो बचाऊं तेरी कह रही मैया। मैया बोली बेटा चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। और क्या बोली माँ शरण हमारी आई सुनो मेरी छैया। प्राण तो बचाऊं तेरी कह रही मैया। मैं शपथ लाल की खाऊं, मैं शपथ लाल की खाऊं जो हनुमान बलवीर। है सत्य वचन ये मेरो मैं तेरी हरूंगी पीर। बेटा मैं अपने हनुमान की कसम खाकर ये कहती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे पास आए हो, मेरी शरण में आए हो, बेटा तुम चिंता मत करो। और आगे बोली आएंगे रामगढ़ जो पास तिहारी, पहले विनय करके कहूँ हाल सारे। हारी
हाल सारे। फिर भी जो ना माने तो, फिर भी जो ना माने तो, हाथ गहे शमशीर। सत्य बचन मेरो, मैं तेरी हरूंगी पीर। बेटा अब तुम घबराओ नहीं, देखिए राम तुम्हें कैसे मारते हैं। मैं भी हनुमान जैसे वीर की माँ हूँ, लाल चिंता मत करो। चंद्र केतु बोला, माँ तुम ये क्या कहती हो, अब तो मेरा काल कोई नहीं रोक सकता। क्यों कसम पुत्र की खा रही हो, क्यों कसम पुत्र की खा रही हो, कछु मेरी समझ ना आता है। वह राम अलौकिक शक्ति है, दुनिया का सुख दुख दाता है। तुमने ये जो कसम खाई है हनुमान की, क्यों कसम खिला रही हो माँ? जो भगवान संसार को पालते हैं, संसार का कल्याण करते हैं, वही भगवान हमको मारने के लिए आ रहे हो। तुम कह रही हो कि मैं बचा लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोले हैं चंद्र के माँ से? क्यों कसम पुत्र की खा रही हो, क्यों कसम पुत्र की खा रही हो, कछु मेरी समझ ना आता है। वह राम अलौकिक शक्ति है, दुनिया का सुख दुख दाता है। और बोला चंद्र केतु, मैया इसलिए वचन लौटा लो माँ, इसलिए वचन लौटा लो माँ, रक्षक भक्षक बनता है। माँ अपने वचन को लौटा लो, तुमने हनुमान की कसम खाई है, कसम मत खाओ माँ, मेरा काल निश्चित आ गया है। और क्या बोला? फिर दुनिया की सामर्थ्य नहीं, कोई उपाय नहीं चलता है। जब रक्षक भक्षक बन जाता है, फिर उसे कौन बचा सकता है मैया? मैंने अनुचित काम कर किया गुरु अपमान, अटल प्रतिज्ञा राम की, बचे न मेरे प्राण। माँ तुम क्या कहती हो, भगवान राम की अटल प्रतिज्ञा है, क्या उनकी प्रतिज्ञा कोई टाल सकता है? अंजनी बोली, धैर्य रखो लाल। इस प्रकार भक्तों, अंजनी ने चंद्र केतु को अपनी शरण में ले लिया। इधर श्री राम की आज्ञा पाकर अंजनी लाल लक्ष्मण के साथ चंद्र केतु का शीश काटने के लिए चल दिए। कैसे? आज्ञा प्रभु की पाई, चले सिर नाई से अवतारी।
संग हनुमान बलवान रे जो अंजन को अवतारी। आज लक्ष्मण और हनुमान भगवान की आज्ञा लेकर चंद्र केतु का शीश काटने के लिए चल दिए। कैसे बने उपबने रहे भूमि मचाए धूम की निघा पसारी की निघा पसारी। नहीं मिलो विधर्म नरेश रे कौशिक को अत्याचारी। नहीं मिलो विधर्म नरेश रे कौशिक को अत्याचारी। अंजनी लाल और लक्ष्मण चंद्रकेतु की तलाश करते हुए भक्तों आगे जा रहे थे, लेकिन उसी समय हुआ क्या, ढूंढत फिरे देह को मिलाई। अरे जब शाम हो न को आई होने को आ गई तो वे दोनों लक्ष्मण और हनुमान अंजनी माँ की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान बोले, भैया लक्ष्मण थोड़ी देर तुम यहीं ठहरो, मैं माँ के दर्शन करके अभी आता हूं। यह कहकर भक्तों अंजनी लाल अपनी मैया के पास पहुंच जाते हैं। इधर जब हनुमान अपनी मैया के पास पहुंचे तो सबसे पहले भक्तों उन्होंने चरणों में शीश नवाया, मैया को प्रणाम किया। और जैसे ही अंजनी ने अपने लाल को देखा भक्तों, वैसे ही अंजनी मैया ने अपने हनुमान बेटे को हृदय से लगा लिया। आगे सुने